गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए, आज का हमारा मुख्य चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि यह बोर्ड के लिए और IIT लीड के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे काफी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आइए हम लोग वैद्युत रसायन के बारे में चर्चा करते हैं। वैद्युत रसायन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। देखिए, हम लोग बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किए हैं जो ताप के द्वारा, दाब के द्वारा और उत्प्रेरक के द्वारा संपन्न होती है, परंतु वैद्युत रसायन के अंतर्गत घटने वाली अभिक्रिया ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत घटने वाली रासायनिक अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा ही संपन्न होती है। यदि हम वैद्युत रसायन के परिभाषा के अनुसार देखें तो वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी विलयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चालक और आयनिक चालक के मिलने पर होती है। चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चालन के लिए या तो धातु या उपधातु की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। यदि दूसरे टर्म में वैद्युत रसायन की परिभाषा देखें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। इसको अगर हिंदी में देखें तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं और केमिकल एनर्जी को हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा तथा उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। यह चैप्टर हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जॉन डेनियल और माइकल फैराडे ने बैटरियों के सिद्धांत पर बताए थे, इसलिए जॉन डेनियल और माइकल फैराडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन का जन्मदाता कहते हैं। देखिए, जब हम किसी बैटरी को किसी विद्युत परिपथ से जोड़कर उसके वोल्टेज को घटाते और बढ़ाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, एक ऑक्सीकरण की तो दूसरी अवकरण की। जब हम वैद्युत रसायन के अंतर्गत कोई अभिक्रियाएं कराते हैं तो उसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ दो पदार्थों में विघटित हो जाता है। जब विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें से एक पदार्थ धातु के रूप में और दूसरा पदार्थ अधातु के रूप में वियोजित हो जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड के माध्यम से धातु को कैथोड पर और अधातु को एनोड पर प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इटली के एक महान वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा जो थे, उन्होंने जल को इसी विधि के द्वारा तोड़े थे। जब उन्होंने जल में विद्युत धारा प्रवाहित किए थे तो उनके द्वारा दो तत्वों का निर्माण हुआ था, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। फिर यह प्रक्रिया आगे बहुत बढ़ती गई, जिसके द्वारा हम लोग निम्न पदार्थों का निर्माण करते गए, जैसे में बहुत सारे तत्वों का भी किए, जैसे में कैल्शियम हुआ, स्ट्रोंडियम हुआ, बेरियम हुआ। इसी विधि के द्वारा इन तत्वों का निर्माण किया गया है। तो इस विधि का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काफी इम्पोर्टेंट है, महत्व भी है, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से समझिएगा। यदि हम लोग वैद्युत रसायन की और चर्चा करें तो इसके विस्तार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन वैज्ञानिकों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे बर्जिलियस, फैराडे, ओम, कोलराउस, आर्हेनियस, नर्नस्ट, जैसे मुख्य वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का विस्तार बढ़ाने के लिए अपना मुख्य योगदान दिया। आज इन्हीं के बदौलत हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का विस्तार इतना ज्यादा हो गया है कि उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे सिक्का हो गया,
एंजाइम हो गया, मिश्र धातु हो गया, धातु हो गया, उनका तरह तरह के चीजों में इस्तेमाल आज के दैनिक जीवन में कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है, काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि आप सबको इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे पदार्थों का निर्माण भी करते हैं। तो चलिए बोर्ड के हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से हम देखें तो वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग निम्न प्रकार के टॉपिकों का अध्ययन करते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं जो हमारे लिए काफी अच्छा है। तो चलिए आइए इसको हम लोग थोड़ा चर्चा कर दें कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिकों को थोड़ा मुख्य रूप से पढ़ना है। देखिए इसमें से पहला टॉपिक है वैद्युत अपघटन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इस टॉपिक में हम लोग निम्न पदार्थों को तोड़ते हैं और तोड़ने के द्वारा एक को धातु में और दूसरे को अधातु में प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा हम लोग का टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध तथा चालकता, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह टॉपिक देखने से हम लोग को ऐसा लगता है कि यह कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रतिरोध, विद्युत और कंडक्टेंस की बात आता है तो यह टॉपिक फिजिक्स से जुड़ जाता है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे आगे लेक्चर में। तीसरा आता है कोलॉज का नियम, चौथा आता है वैद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का नियम, पांचवा आता है सेल और छठवा आता है इलेक्ट्रोड। जैसे हम लोग को मुख्य रूप से इसमें ना सेल के बारे में काफी गहराई से अध्ययन करना है, इलेक्ट्रोड के बारे में गहराई से अध्ययन करना है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे। अगला आता है विद्युत अपघटनी सेल और अगला आता है विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। इन्हीं दोनों सेलों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले कामों को उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है लवण सेतु। जैसे हम जानते हैं कि जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है उसको पूरा उसका पूरा पथ पूरा करने के लिए हम लोग इस लवण सेतु का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, जैसे बिहार बोर्ड की बात किया जाता है इस टॉपिक से, यानी लवण सेतु के बारे में पूछा है कि लवण सेतु क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। तो थोड़ा जब लेक्चर इसका आएगा तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। अगला आता है सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया भी काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे सेल्स दे देंगे और उन सेल्सों से जो बनेगा उससे कुछ रिएक्शंस होगा और उस रिएक्शन के द्वारा हम लोग सेल अभिक्रिया को लिखेंगे। अगला है हम लोग का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। यह भी टॉपिक बोर्ड में पूछ चुका है, इसको भी हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होता है यह केमिस्ट्री का थोड़ा मुख्य आधार होता है, कोई कोई टॉपिक में कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, इसलिए इस सीरीज का जब लेक्चर आएगा तो हम लोग इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। अगला है सांद्रा सेल, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं, और अगला है नरनष्ट का समीकरण, जिसको हम नरनष्ट इक्वेशन भी कहते हैं। इस नरनष्ट इक्वेशन पर काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इन न्यूमेरिकल्स का उपयोग हम लोग काफी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इस न्यूमेरिकल का अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं जो कि यह बताते हैं कि हम लोग सेल का उपयोग किस प्रकार से करें, उसकी वोल्टता किस प्रकार की होती है, कितना सेल का वैल्यू देने पर कितना आता है, ऐसे सारे क्वेश्चनों के लिए हम लोग नरनष्ट का समीकरण का उपयोग करते हैं। और लास्ट में हम लोग जितने भी प्रकार के इसमें धातुओं को बना लेते हैं उन धातुओं को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए, अच्छे से बचाने के लिए एक और टॉपिक को थोड़ा पढ़ते हैं, जिसको हम लोग संक्षारण कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो आई होप कि आप सबका ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसमें जो भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, थैंक्स।